हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1953, 1954, 1957, 2005। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा की सीटें हैं 11। ऑप्शन दिए हुए थे 29, 11, 20, 15। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिए गए थे भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी जो बनी हुई है वो है सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के गठन के लिए प्रथम बार विधेयक कब पास किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के गठन के लिए प्रथम बार विधेयक पास किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण शाला कहां पर है। तो पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण शाला है रीवा में बनी हुई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। ऑप्शन दिए हुए थे 250, 229, 545 और 230। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1995 में। मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 1995 में। मध्य प्रदेश में वह व्यक्ति कौन है जो लगातार 50 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे। तो 50 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास लगातार 50 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, वर्तमान में आदिवासी विकास खंड है 89। मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक सिर्फ 3 बार ही लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल विनकर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे विनकर एजुकेशन पेज, फेसबुक पेज विनकर एजुकेशन को आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे विनकर एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9752730392।